हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं NAS प्रैक्टिस पेपर 3 कक्षा 10वीं से हिंदी का। हम यहाँ पर पेपर का संपूर्ण हल है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को जो है हम यहाँ पर समझते चलेंगे, तो आपको जो है इन्हें समझते चलना है ताकि आप जो है इसे अच्छे से समझ सकें। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जोर से दबा देना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है अन्य विषयों के हल के लिंक भी आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं इस पुस्तक में आपको जो है टोटल 70 प्रश्न आपको यहाँ पर देगा है। तो हो सकता है यहाँ पर जो है प्रत्येक प्रश्न को हम समझाते चलेंगे तो जो वीडियो जो है यहाँ पर लंबा हो सकता है, इसलिए आपको जो है वीडियो जो है दो पार्ट में देखने को मिलेगा। तो अगला जो पार्ट होगा इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए एक पैराग्राफ देगा है, इस पैराग्राफ को हम अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। तो देखिए आपको जो समझने पे ज़्यादा फोकस करना है, और जब आप इसे पूरा समझ लेंगे तो आप जो इसके PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब हो जाइए और वहाँ पर जो है आप इसके PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आइए हम समझते हैं। तो देखिए एक सूसू नाम की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है ना। आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है, सूसू है। ये स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को भी प्रकट करता है, क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे ही पानी में ही जीवित रह सकता है। इसे मीठे पानी की डॉल्फिन भी कहा जाता है ना, मीठे पानी की डॉल्फिन भी हम कहते हैं। इन डॉल्फिन देखिए अब शारीरिक विशेषता की हम बात कर लेते हैं। इन डॉल्फिन मछलियों मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या JEE नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ले। अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर ले। अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले या उसे टाइप करके सबमिट कर दे, और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स के अंदर में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो जस्ट नाउ डाउनलोड फ्लो। इन डॉल्फिन मछलियों का शरीर क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, और जो उनकी त्वचा होती है जो चमड़ा होता है हल्के भूरे और स्लेटी रंग की यहाँ पर होती है। इनके ऊपरी तथा निचले जबड़ों में दांत भी दिखाई देते हैं, है ना। शारीरिक विशेषता की हम बात कर रहे हैं, ये मछलियाँ लंबे नोकदार मुंह वाली होती है और इनके पर बड़े होते हैं, और शरीर के पीछे का पर तिकोना व कम विकसित होता है। इनकी जो आँखें होती हैं लेंस रहित होती है, इसलिए यह केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने में ही काम आती है। झींगा तथा छोटी मछलियों को निगलने के लिए डॉल्फिन पानी में गहराई तक जाती है, यानी कि उनको शिकार करने के लिए। कभी कभी उनकी त्वचा पर गुलाबी रंग की आभा भी दिखाई देती है। नदी में रहने वाले डॉल्फिन मछलियाँ एकांत में रहना पसंद करती है, और मादा मछली नर मछली से बड़ी होती है। इन्हें स्थानीय तौर पर सूसू कहा जाता है, क्योंकि यह सांस लेने के समय ऐसी ही आवाज़ निकालती है। यह प्रजाति भारत, नेपाल, भूटान की गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियों में तथा बांग्लादेश की कर्णफुली नदी में पाई जा सकती है। तो आप जो इस प्रकार जो है यहाँ पर पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आइए मैं इनके डाउट जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए आपने जो इस गद्यांश को पढ़ा है इससे ही संबंधित आपको जो है नीचे प्रश्न दिए गए हैं। यदि आप इसे जो है समझ कर पढ़ लेंगे तो आपको जो है प्रश्न के जो आंसर है आपको इसी में जो है मिल जाएंगे। तो देखिए हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, इन डॉल्फिन की आंखें लेंस रहित होती है, इसलिए यह केवल प्रकाश की दिशा का पता लगाने में ही काम आती है। इस वाक्य से हम कह सकते हैं कि, है ना,
इस वाक्य से हम कह सकते हैं कि जो डॉल्फिन होती है उस जगह पहुंच सकती है जहां से रोशनी आ रही हो ना। देखिए आंखें जो है क्या है, लेंस रहित है, इसलिए जो है वह बहुत दूर का नहीं देख सकती है, वह सिर्फ पास का ही देख सकती है। इसलिए जहाँ जहाँ तक प्रकाश या फिर रोशनी आ सकती है वह वहाँ वहाँ तक बस पहुँच सकती है। दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, इन मछलियों में ऐसी कौन सी खूबी है जिसके कारण इनकी अलग पहचान बनती है। तो देखिए इनकी खूबी क्या है, ये जो है सूसु नाम की एक विशेष आवाज़ यहाँ पर निकालती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, इनमें से कौन सा तथ्य जो है इन मछलियों के बारे में सही है। तो देखिए ये मछलियाँ जो है समुद्र में नहीं रह सकती है ना, जो सूसु नाम की जो मछली या फिर डॉल्फिन है वे समुद्र में नहीं रह सकती है, कथन जो है इन मछलियों के बारे में सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में डॉल्फिन प्रजाति की संख्या में कमी होने के कारणों में से कौन सा कारण जो है गलत है। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, बहुत सी नावों का नदी में चलना, ये जो है ये जो कथन है यह असत्य है ना। बाकी जो तीनों कथन है वे सत्य है, प्रजाति की संख्या में कमी होने के कारण है ना। अब देखिए आपको जो है यहाँ पर नीचे चित्र दिए गए हैं, इसमें से आपको जो है सूसु डॉल्फिन इसे पहचाना। तो देखिए हमने पढ़ा था जो सूसु डॉल्फिन होती है वह मोटी होती है और उनके जो मुंह होता है आगे का भी कैसा होता है, चपटा नुकीला होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो पर होते हैं वे बड़े होते हैं ना, सारी विशेषता इसमें यहाँ पर आपको दी गई है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, मेरी कक्षा की सुलेखा तैराकी प्रतिस्पर्धा में खालिस्तान विजेता रह चुकी है। तो आपको जो है यहाँ पर सही बर्तनी वाला शब्द चुनना। तो देखिए अंतर्राज्यीय का सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी ये वाला आपका होगा। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, इसमें आपको जो है आपको जो रेखांकित शब्द दिया गया है अपव्यय, इसका अर्थ क्या निकलता है उसको आपको बताना। तो देखिए इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हमें धन जो है व्यर्थ नहीं खर्चना चाहिए। अपव्यय की जगह क्या आएगा यहाँ पर, व्यर्थ नहीं है ना। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि है ना, अगला क्वेश्चन नाम में आपको जो है नीचे कविता दी गई है, इस कविता को पढ़ना है और नीचे 8 से 12 तक के आपको जो है उत्तर यहाँ पर देना है। तो देखिए आप जो है यहाँ पर पंक्तियाँ पढ़ेंगे हम, तो देखिए करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, इतनी खुशियाँ बांटो सबको हर दिन पर्व दिखाई दे, हरे पेड़ जो काट रहे उन्हें खूब धिक्कारो, खुद भी पेड़ लगाओ इतने धरती स्वर्ग दिखाई दे। यहाँ पर जो है पर्यावरण की बात यहाँ पर हो रही है। अगला दूसरा पद हमें यहाँ पर दिया है, कोई मानव शिक्षा से भी वंचित दिखाई न दे, सरिताओं में कूड़ा करकट, सरिता यानी कि नदी में कूड़ा करकट संचित नहीं दिखाई दे, वृक्ष रोपकर पर्यावरण का संरक्षण ऐसा करना दुष्ट प्रदूषण का भय भू पर किंचित नहीं दिखाई दे। तीसरा पद हमें यहाँ पर दिया है, हरे वृक्ष से वायु प्रदूषण का संहार दिखाई दे, हरियाली और प्राणवायु का बस अंबार दिखाई दे, जंगल के जीवों के रक्षक बनकर के दिखला दो जिससे सुखमय प्यारा प्यारा यह संसार दिखाई दे। चौथा हमें दिया है, वसुंधरा पर स्वास्थ्य शक्ति का बस आधार दिखाई दे, जड़ी बूटियों औषधियों की बस भरमार दिखाई दे, जागो बच्चों जागो मानव यत्न करो, कोई प्राणी इस धरती पर न बीमार दिखाई दे। तो देखिए इससे संबंधित यहाँ पर आपको प्रश्न के उत्तर आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है 8वां, हर दिन त्यौहार जैसा लगे, इसके लिए कवि क्या सलाह दे रहा है ना, मतलब इससे जो है कवि का क्या संबंध। तो देखिए यहाँ पर जो आपको पंक्ति दी गई है, हर दिन जो है त्यौहार जैसा लगे है ना, मतलब कि हर दिन जो है पर्व जैसा दिखाई दे, मतलब कि यहाँ पर जो है खुशियाँ बांटने की बात यहाँ पर कह रहा है ना। तो मतलब जो है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सब लोगों में जो है प्रसन्नता फैलाए। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, कविता के दूसरे पद के अनुसार मनुष्य को इसके अभाव में नहीं रहना चाहिए। हमने यहाँ पर देखा था दूसरे पद में यहाँ पर कहा गया है मानव शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए है ना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, पढ़ने लिखने के या फिर मानव शिक्षा के यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमें बताना है, आपको जो पंक्ति दी गई है, हरियाली और प्राणवायु का बस अंबार दिखाई, इस पंक्ति का क्या अर्थ निकालता है। देखिए इस पंक्ति का अर्थ निकलता है पर्यावरण से धरती पर ढेर सारी साफ हवा और पेड़ पौधे जो है बने रहे। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, अंतिम पद में कवि किसके लिए प्रयत्न करने के लिए कह रहा है। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तंदुरुस्ती के लिए प्रयत्न करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वृक्षारोपण कर पर्यावरण को सुंदर बनाएंगे। तो
यहाँ पर जो है छात्रों, आपको है ना पंक्ति को पूरा करना। तो देखिए यहाँ पर शब्द कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा वसुंधरा को अपनी स्वर्ग से सजाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपको देखिए चार छात्रों ने कुछ शब्दों को अपने अनुसार वर्णमाला क्रम में लिखा, ठीक है। आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें से किसका क्रम जो है सही आपको बताना है। वर्णमाला क्रम है ना, आपने हिंदी का वर्णमाला क्रम देखा होगा है ना, आ से लेकर ज्ञ तक होता है ना, मतलब कि जो वर्ण है क्रम के अनुसार जमे रहते हैं। तो आपको बताना है किसने जो है सही क्रम में जमा है। तो देखिए जो है ऑप्शन नंबर एक आ जाएगा रेखा का है ना, रेखा ने देखिए यहाँ पर जो सही क्रम में जमाया है, दस्तावेज, फिर निरीक्षण, फिर बरबस, फिर मुंगेरी, फिर मृदुल, ठीक है। मतलब कि देखिए सबसे पहला मेन वर्ण कौन सा है, दा, दा के बाद आता है ना, ना के बाद आता है बा के बाद आता है मा, फिर आता है म्रा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है सही क्रम में जमा है, इस प्रकार जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पर नीचे दी गई है, आपको कहानी दी गई है, इससे पढ़कर आपको जो है 26 से 30 तक के प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो आप इसे जो है पढ़ लेंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है, बिल्कुल आपको जो है पढ़ लेना है, समझ में आपको इजीली आ जाएगी। तो देखिए हम डाट यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देखते हैं, लेख की शुरुआती पंक्तियों में लेखक ने इनमें से कौन सी सबसे मुख्य बात कहने की कोशिश की है। तो देखिए लेखक ने जो है यहाँ पर कहा है, पूर्व परदेशी जो है गुड़गांव में तेज बारिश का मज़ा नहीं ले पाती, क्योंकि जो है वहाँ पर क्या है बहुत, जैसे देखिए वहाँ पर एक कथन के कह रहा है, अक्टूबर का महीना आने के बाद भी गुड़गांव जो कि दिल्ली के एक उपनगर की तरह है कि गर्मी में कोई कमी नहीं आई थी, है ना, यानी कि अक्टूबर आने के बाद भी वहाँ पर जो है गर्मी बहुत भयंकर की लग रही थी, मतलब कि वहाँ पर क्या है वहाँ पर जो है बारिश का मज़ा नहीं ले पाते, उसने यह मुख्य बात कहा है। 15वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, मेरे नौकर ने इन मौके पर गांधी जी को याद करने की ठान ली, तो लेखक ने अपने नौकर के बारे में ऐसा क्यों कहा होगा, है ना। तो किस लिए कहा था उसने, क्योंकि जो नौकर है उसने बिना बताए उस दिन अपने काम से छुट्टी कर ली थी, गांधी जी जयंती के दिन जो है उसने अपने काम से छुट्टी ले ली थी, इसलिए जो है उसने यहाँ पर ऐसा व्यंग कसा है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, लेखक के पैर रहकर कांप जाते थे क्योंकि, तो यहाँ पर जो है आपको उचित विकल्प चुनकर जो है वाक्य पूरा करना है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा, वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को देखने के लिए उत्साहित था, ठीक है, ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पिछले 4 वर्षों में मूसलाधार बारिश ना होने पर लेखक हताश हो गया था, आपको बताना है इनमें से किस विकल्प में हताश शब्द का जो है उचित प्रयोग यहाँ पर हुआ है। हताश को हम यहाँ पर निराशा भी कह सकते हैं, है ना, निराश हो जाना, कुछ आशा ना बचना। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, साइकिल रेस में सबसे अंतिम आने पर अतुल जो है हताश हो गया, बिल्कुल इसमें जो है करेक्ट यहाँ पर जम रहा है ना, सबसे अंतिम आया, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर कितना जो है उसको निराशा हुई होगी, बिल्कुल यहाँ पर डीमोटिवेट यहाँ पर हो गया होगा, कौन, अतुल जो है बिल्कुल डीमोटिवेट यहाँ पर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ऊपर दिए गए वाक्य के अनुसार बताइए कि कहानी में आई पंक्ति हर तरफ फैली रौनक को भाप गया का क्या अर्थ हो सकता है ना, आपको बताना है हर तरफ फैली रौनक को भाप गया का क्या अर्थ होगा, है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, अपने आसपास के माहौल को देखकर जो है अनुमान लगाया, ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहानी में प्रयुक्त इनमें से किस वाक्यांश में व्यंग्य रस नहीं मिलता है। व्यंग को हम कह सकते हैं ताना देना, है ना, मतलब कि कुछ कथनों के माध्यम से जो है सामने वाले व्यक्ति का जो है मजाक उड़ाना, उन्हें ताना देना, ठीक है, इसे हम यहाँ पर व्यंग कहते हैं। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, मूसलाधार बारिश में भीगने के लिए तरस गए, है ना, इसमें जो है व्यंग रस का उदाहरण हमें नहीं मिलता है, ये जो है एकदम सीरियस वाक्य यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे गद्यांश दिया गया है वोटर आईडी कार्ड के ऊपर से, उसको पढ़ना है, समझना है, और नीचे दिखा आपको प्रश्न को उत्तर देना है। तो देखिए वोटर आईडी कार्ड के बारे में है, आप जो पढ़ लेंगे बिल्कुल इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, यदि मैं आपको पढ़कर बताऊंगा तो जो है वीडियो यहाँ पर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो है मैं आपको यहाँ पर पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, तो आप जो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए आपको दिया गया है,
सारे हेडलाइन आपको दी गई है, कैसे बनवाए वोटर कार्ड, है ना, कैसे आपको जो है वोटर कार्ड बनवाना चाहिए और वोटर आईडी कार्ड क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पर देखिए वोटर आईडी कार्ड कौन कौन बनवा सकता है उसकी यहाँ पर आपको शर्तें दी गई है, किस काम के लिए कौन सा फॉर्म लगता है उसके बारे में आपको जो है यहाँ पर बताया गया है, और कौन कौन से जो है कागजात यहाँ पर ज़रूरी है ये भी आपको जो है बताया गया है, कौन कौन से है ना ये आप जो यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कई लोगों को वोटर कार्ड आईडी कार्ड बनवाने का काम जो है झंझट यानी कि मुश्किल भरा लगता है, ऐसा क्यों? तो उसके जो है ऑप्शन नंबर इस बात के लिए कौन सा जो कारण है गलत यहाँ पर हो सकता है। ऑप्शन नंबर वोटर आईडी कार्ड बनवाने की फीस जो है बहुत अधिक है, ये कथन जो है गलत है। वोटर आईडी कार्ड जो है फ्री में भी बनता है, फ्री में बनता है, सरकार की तरफ से बनवाया जाता है, बिल्कुल बहुत बहुत कम पैसे में आपको बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपको दिखा है, इनमें से किस काम के लिए रघु जो है वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है? तो देखिए वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल हम बैंक खाता खुलवाने के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, बनीता ने पिछले वर्ष अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया था लेकिन उसने देखा कि उसके पिता का नाम जो है उसमें गलत छपा है। तो देखिए जब नाम गलत छपा होता है मतलब वोटर आईडी कार्ड में जो है यदि हमें संशोधन कराना है अपने नाम पिता का नाम, है ना, तो इन सभी संशोधन के लिए जो है हमें फॉर्म बी को जो है भरना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, राधिका की उम्र जो है 23 वर्ष है और वह अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहती है, उसे इनमें से कौन सी चीज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं है? तो देखिए उसे जो है यहाँ पर उम्र का प्रमाण जो है जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर एक करके यहाँ पर हो जाएगा केवल पहला ऑप्शन। ठीक है, उम्र का प्रमाण जो है 18 से 22 तक के जो बनवाते हैं वोटर आईडी कार्ड उन्हें लेने की यहाँ पर ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे 24 आपको दिया है, भारत की जनसंख्या कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ती ही जा रही है, इस कथन के आधार पर बताइए कि नीचे दिए गए किस विकल्प में कुकर मुत्ते की तरह बढ़ना मुहावरा सही अर्थ में प्रयोग हुआ है, है ना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शहरों में भिखारी जो है कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ रहे हैं, ये जो है कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ना मुहावरे का सही अर्थ में प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। जादूगर की अनोखे करतब देखकर नीरज की तो आंख, यहाँ पर जो है आपको उचित शब्द से आपको मुहावरे को पूरा करना है। तो देखिए नीरज की तो आंख इसके आगे आ जाएगा फेल गई, यानी कि जो है नीरज जो है यहाँ पर आश्चर्यचकित हो गया, बिल्कुल आनंदित हो गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, शाम होते ही सेना कूच करने लगी, आपको बताना है इसमें जो है कूच करने लगी का अर्थ क्या होता है। तो देखिए कूच करने लगी का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से कौन सा जो है विलोम शब्द का जोड़ा सही नहीं है? तो उसके जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, विचार का सकार, विचार का विलोम शब्द सकार नहीं होता है, बाकी सब तो यहाँ पर सही है। भविष्य का भूत होता है, जटिल का सरल होता है, विरोध का समर्थन होता है। अगले में आपको जो है दिए गए नामों का जो है उचित शब्द कोष क्रम आपको चुनना है, है ना, तो इसमें भी जो है आप शब्द कोष क्रम यहाँ पर लिख सकते हैं, वर्णमाला के अनुसार इसे जमाते हैं। जैसे कि देखिए आ आ तो सब में है, ठीक है, सबसे पहले हमने जो है तीन अक्षर वाले लिए, तो देखिए का के बाद आता है छा, रा के बाद आता है ता, है ना, तो आप जो है इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपको जो है उचित मुहावरे वाला जो है, देखिए जैसे ही नौकर की चोरी पकड़ी गई तो आपको जो है यहाँ पर आ गए उचित मुहावरे वाला वाक्य चुनकर पूरा करना है। तो देखिए जैसे ही नौकर की चोरी पकड़ी गई उसके आगे यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आ जाएगा, उसके तो चेहरे पर जो है हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी जो है उसके चेहरे पर सिकन आ गई, उसके जो चेहरा है उस पर यहाँ पर टेंशन दिखने लगी, हम इसे जो है इस प्रकार से भी यहाँ पर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखा है, गड्ढमड शब्द का अर्थ होता है अव्यवस्थित रूप से मिल जाना, इनमें से किस वाक्य में जो है गड्ढमड शब्द का उचित प्रयोग हुआ है? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जन्मदिन की पार्टियों में मेरी प्लेट का खाना जो है गड्ढमड होता रहता है, बिल्कुल जो आपको मैं करेक्ट आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ, 70 में 70 अंक मिलने के। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि हरप्रीत का जन्म सन 1989 में हुआ था, तो इनमें से कौन सा जो वर्ष है हरप्रीत के जन्म का वर्ष है? तो देखिए
1989 को आप जो है हिंदी में किस प्रकार लिखेंगे? सन 1989। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, कक्षा 8 के इन छात्रों का नाम उचित वर्णमाला क्रम में चुने, है ना, वर्णमाला के अनुसार आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, कमलजीत, करुण, शार्दुल, सोहम, हर्षित। अब देखिए यहाँ पर जो आपको एक पैराग्राफ दिया है इसके अनुसार जो है हमें यहाँ पर प्रश्न को उत्तर देना है। तो देखिए पढ़ते हम इसे, राजू के पापा एक रोबोट लेकर आए, वह रोबोट जो है झूठ पकड़ सकता था और झूठ बोलने वाले। तो देखिए 33वां क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पर, तो आपको जो है शुद्ध वाक्य चुनना है यहाँ पर। तो देखिए शुद्ध वाक्य यहाँ पर आएगा के गाल पर खींच कर चाटा मार देता था। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आएगा। एक दिन राजू और उसका दोस्त जो है स्कूल से घर देर से पहुँचे, पापा ने पूछा घर लौटने में इतनी देर कैसे हो गई। तो राजू, देखिए अब यहाँ पर 34वां क्वेश्चन आपको बताना। तो देखिए उचित शब्दों से आपको जो है यहाँ पर रिक्त स्थान पूरा करना। तो देखिए यहाँ पर आएगा राजू के बात क्या आएगा, यहाँ पर राजू ने जवाब दिया, उसके पिता ने जो यहाँ पर उससे जो है प्रश्न पूछा, तो राजू ने जो है यहाँ पर जवाब दिया आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी। रोबोट अचानक, तो यहाँ पर देखिए रोबोट अचानक के बाद यहाँ पर क्या आएगा, रोबोट अचानक यहाँ पर आएगा अपनी रिक्त स्थान में क्या आएगा, अपनी जगह से उठा और राजू को थप्पड़ रसीद दिया। राजू हैरान रह गया, उसकी हैरानी देखते हुए पापा ने उसे बताया कि शायद उसे मालूम नहीं कि यह रोबोट जो है हर झूठ को पकड़ सकता है और झूठ बोलने वाले को चाटा भी मारता है। अब सच क्या है ये बताओ, कहाँ गए थे, पापा ने बनावटी गुस्से से पूछा। जी हम एक बिल्ली और उसके बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, राजू के दोस्त ने गुस्सा शांत करने के लिए के अंदाज में कहा। चटक, रोबोट ने एक चाटा मारा, इस बार जो है गाल जो है किसका था, उसके दोस्त का था। तो देखिए यहाँ पर आपको 36वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या बताना है कि आपको जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर डबल डिज दिख रहे होंगे, इसको हटाकर जो है आपको वाक्य का सही प्रयोग करना है। तो देखिए इसका जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इससे हम जो है उद्धरण चिन्ह भी यहाँ पर कहते हैं। तो देखिए पापा ने गुस्से से राजू से कहा कि उसे अपने माता पिता से झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए, है ना, मतलब कि जो है हमने इस वाले चिन्ह को हटाया। तो देखिए हमने जो है उस प्रकार से हम जो है उसे लिख सकते हैं, दोनों ने कहा। बात डर असल में यह थी कि हम डर रहे थे कि यदि हम आपको सच बता देंगे कि हम फुटबॉल खेलने गए थे तो आप हमें बुरी तरह डांटेंगे। यह सुनकर पापा हंसने लगे और कहा, 37वें के पहले मैं आपको बताना है, देखिए यहाँ पर है मैं तुम्हारे जितना था, तो इसके पहले यहाँ पर क्या आएगा, जब आएगा, और यहाँ पर खाली स्थान में आएगा तब, तब मैं भी डांट के डर से ऐसे ही हरकत किया करता था, ठीक है, तो जब का तब यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो आप यहाँ पर 37वां क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, राजन ने बताया कि उसका दोस्त क्या है, मितभाषी है। तो देखिए मितभाषी का अर्थ होता है बहुत कम बोलने वाला, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में जो है यहाँ पर आपको सही बर्तनी वाला शब्द चुनना, तो देखिए यहाँ पर सही बर्तनी वाला शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से लिखेंगे, उ द घा में आ की मात्रा, टा में छोटी ई की मात्रा, ता। अगला क्वेश्चन में आपको जो है कमल को पर्यायवाची आपको बताना, तो देखिए कमल का पर्यायवाची यहाँ पर होता है जलद। तो ये हमारा पार्ट वन था, इसमें जो है हमने 40 तक के प्रश्न को उत्तर देख लिया है। अगले क्वेश्चन में जो है अगले पार्ट में हम यहाँ पर 41 से 70 तक के सभी प्रश्न उत्तर देख लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक लीजिए जय भारत।